सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, ये दस्तार वो बख्शिश करके गया ते ऐसा पिट्ठू जिहड़ा दस्तार दे नाल जाके कालज पोथ रहा, शर्म होनी चाहिए ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल जदों के अपना दोष कबूल कर चुकया भी गुरु ग्रंथ साहब निरादर किया, रूड़ियां दे उत्ते अंग अंग रोलिया, उहदे विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करता? राजीव गांधी दे बुत ते कालिक पोतण ते हुण सिमरजीत सिंह बैंस ने भी बयान दिता है। उन्हां ने कहा कि कैप्टन सरकार ने कालिक पोतण वालियां नूं तां इक दिन विच गिरफ्तार कर लिया है, पर कैप्टन गुरु ग्रंथ साहिब दे आरोपी बादलां ते क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहे। उन्हां ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर ते बादल आपस च रले होए ने, ध्यान भटकाउण लई राजीव गांधी दे बुत ते कालिक पोती गई। बहुत वड्डी हैरानगी दी गल आ जे लोकां दा ध्यान डाइवर्ट करन वास्ते मैं गल कहूंगा कि अकाली दल मुद्दाहीन पार्टी होगी, इहदे कोले कोई मुद्दा नहीं गा। कदे इह अमृतसर दे विच जे रेल दुर्घटना हुंदी आ ते लाशां दे ढेरां दे उत्ते खड़ के राजनीति करदे आ, मतलब कि मुद्दा कोई नहीं गा। जदों 10 साल पंजाब दे विच बादलां दी सरकार रही उदों इहनां नूं राजीव गांधी दे बुत क्यों नहीं दिखे, ते 20 महीने हो गए कांग्रेस पार्टी दी हकूमत बणिआ, कालक अज पोस्ती ते एक मातड़ गरीब बंदे दी बिल्डिंग ढाती, कहिंदे जी इह राजनीतिक, जे कांग्रेस पार्टी वाकई बादलां विरुद्ध कार्रवाई करना चाहुंदी है ते फिर जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन दी रिपोर्ट, SIT, सारा कुछ, बादल खुद अकाल तख्त दरबार साहब जाके अपने किए हुए गुनाह तस्लीम कर चुके आ, वो मन चुके पंजाब दे विच चिट्टा असी वेचिया, गुरु ग्रंथ साहब का निरादर असी कीता, ते कांग्रेस वाले बादलों नूं हथ क्यों नहीं पाते, सोचण दी गल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह उत्थों चंडीगढ़ बैठा था कह रहा भी की कार्रवाई हुई, पुलिस कमिश्नर लुधियाणा नूं पुछ रहा, ते जिहड़ी कार्रवाई बादलों के विरुद्ध कैप्टन के कोले पेंडिंग पई है उत्थे कार्रवाई क्यों नहीं? मातड़ के उत्ते कार्रवाई, किसी गरीब की चाके बिल्डिंग तोड़ती, कहिंदे जी इह बुत दे उत्ते काल समण वाले दे रिश्तेदार की बिल्डिंग सीगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल जदों के अपना दोष कबूल कर चुकया भी गुरु ग्रंथ साहब निरादर किया, रूड़ियां दे उत्ते अंग अंग रोलिया, उहदे विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करता? यह बुत की जिहड़ी सियासत हैगी है ना, अकाली दल दे कोले तां मुद्दा है नहीं गा, मुद्दाहीन पार्टी है, ते कांग्रेस लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने वास्ते यह चाल आ, दोनों पार्टिया की आपस च रले आ, उन्हां कोले मुद्दा नहीं गा, इस करके वो इस पासे नूं आ गए अकाली दल वाले, ते कांग्रेस अपनियां नाकामियां नूं छुपाउण वास्ते लोकां दा ध्यान डाइवर्ट करन वास्ते इस पासे नूं तुरी आ। 10 सालां दे विच राजीव गांधी दे बुत नहीं दिखे बादलां दे राज वेले, ते कांग्रेस पार्टी अज एक कांग्रेस दा पिट्ठू कहूंगा मैं, दस्तार दी बेअदबी करदे होए दस्तार ला के बुत साफ कर रहा, शर्म आउणी चाहीदी इहनां लोकां नूं। मैं तो पहला कह के हटिया भी 10 साल पहला याद नहीं आए, ये बुत दे उत्ते तुसी काल स, मैं कहना जी बिल्कुल गलत हैगा, तुसी बुत दे उत्ते काल समल के की कहोगे, की मैसेज हैगा? राजीव गांधी का वो वीडियो मैं भी सुनिया, ऑडियो सुनिया, जिस कहा भी एक जो कोई बहुत बड़ा दरख्त गिरदा तो धरती हिलती है, तो उदों श्रोमणी अकाली दल कित्थे रहा इन्ना लंबा समा? BJP दे नाल अकाली दल दी केंद्र दे विच भाईवाल सरकार वाजपाई वेले भी रही है, उदों क्यों नहीं सजावां होईयां? इन्ना लंबा समा 35 साल बाद सानू लंगड़ा इंसाफ पंजाबियों नूं मिलिया, लंगड़ा इंसाफ 35 साल बाद जाके इंसाफ मिलना, तो अज बुतों के उत्ते तुसीं कालक पोथो, ये निरी जिहड़ी आ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, बुतों के उत्ते कालक पोथना की हो जाएगा? लोगों का ध्यान असल दे विच डाइवर्ट करन वाला, तो मैं तो कह के हटिया ना भी उन्हां कोले मुद्दा कोई नहीं गा, उन्हां नूं एक मुद्दा मिल गया भी राजीव गांधी के मुँह के उत्ते कालस मल दिओ, मुड़ के DC दफ्तर जाके धरने लाने शुरू कर दे। ये मैं दस रहा कि अकाली दल दे कोले कोई मुद्दा नहीं हैगा, मुद्दाहीन पार्टी है, सिर्फ इन्हां नूं आका राजीव गांधी के मुँह के उत्ते स्प्रे काला मार के मुद्दा तलाशण दे यतन, पर लोग सब समझते हैं, कांग्रेस नूं भी समझदे आ ते अकालियां नूं भी समझदे आ, अकाली मुद्दा है नहीं, इस करके इस मुद्दे नूं लोकां दे विच जाण दा जरिया बना रहा। कांग्रेस पार्टी अपने किए हुए वादियां तों टोटल फेल हो चुकी है, ते ओह लोकां दा ध्यान डाइवर्ट करन वास्ते इधर नूं तुरी होई। सो मैं ये गल पहलां कह के हटिया कि एक ऐसे पिट्ठू, ऐसे उस इंसान का जिहड़ा अपनी दस्तार की अहमियत नहीं समझता, साहबे कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऐसी दस्तार दे के गए हैं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊँ, 1,25,000 से एक लड़ाऊँ तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊँ, ये दस्तार
ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਪਿੱਠੂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਸ ਪੋਥ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਬੈਠਾ, ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਚਾਰ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਵੀਂ ਮਾਂ, ਛੇਵਾਂ ਬਾਪ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਆਪ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ।